हेलो, माय नेम श्रीधर श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक फिल्म की जिसका मुझ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। और ये पिक्चर मैंने देखी थी अपने कॉलेज के टाइम में, जब मैंने फिल्म मेकिंग शुरू करी थी, या फिल्म मेकिंग नहीं, बेसिकली फिल्में देखना शुरू किया था। फिल्म मेकिंग तो बहुत बाद का प्रोसेस था जो मैंने मुंबई आके शुरू किया। तो ये वो पिक्चर है जो मैंने कॉलेज में देखी थी, और ये पहली कोरियन फिल्म थी जो मैंने देखी थी। और इसने मतलब एक नया रास्ता खोल दिया था मेरे सामने, एक नया इंडस्ट्री खोल दिया था, एक मतलब एक नया समझ लो खजाना खुल गया था। जहाँ पे मैं उससे पहले सिर्फ इंडियन फिल्में देखता था या हॉलीवुड फिल्में देखता था, मुझे नहीं पता था कि बाकी इंडस्ट्रीज़ में किस तरह की फिल्में बनती है। मैंने इसके अलावा किसी और इंडस्ट्री के बारे में सुना भी नहीं था, क्योंकि फिल्में आप नॉर्मली DD1 पे देखते थे, और DD1 के बाद केबल आ गया तो आप केबल पे देख रहे हो, फिर स्टार मूवीज़ आ गया था। तो मैं मोस्टली पिक्चर स्टार मूवीज़ या HBO पे देखता था, तो वो सब हॉलीवुड फिल्में होती थी, बेसिकली हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स होती थी। तो बेसिकली क्रिटिकली एक्लेम सिनेमा भी उस टाइम पे मैंने नहीं देखा था, पर उस टाइम पे कहीं से मैंने पिक्चर के बारे में सुना और मैंने इसको डाउनलोड किया, फिर मैंने देखा। ऐसी कॉपी भी मुझे ईजिली मिल गई थी, तो मैंने देखा सबटाइटल के साथ, एंड इट जस्ट ब्लू माई माइंड। एंड द नेम ऑफ द फिल्म इज़ माई सेसी गर्ल, और इसकी जो हीरोइन है जून जी ह्यून, वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट हीरोइन है। मतलब आई जस्ट लव हर, और मैं उस टाइम पे एकदम क्रेजी था जून जी ह्यून के लिए। मतलब मुझे लगता था कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड हो तो जून जी ह्यून जैसी हो, इतनी खूबसूरत थी वो। मतलब आई वॉज जस्ट क्रेजी अबाउट हर। मैंने कोरियन सीखनी शुरू कर दी थी कि मैं एकदम कोरिया जाऊँगा, जाकर जून जी ह्यून से मिलूंगा, उससे जाकर शादी करूंगा। मतलब उस टाइम पर ऐसा होता था, एक टाइम होता है आदमी की लाइफ में जब उसको हर लड़की से प्यार हो जाता है और हर लड़की से शादी करना चाहता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। तो मेरा वो क्रश जो था वो जून जी ह्यून को लेकर था, कि मतलब एक दिन मैं साउथ कोरिया जाऊँगा। साउथ कोरिया का खाना भी मुझे अच्छा लगने लगा था उस टाइम पर, हालांकि मैंने बाद में उसको ट्राई किया मुंबई में साउथ कोरियन खाना, और मैं उसको टेस्ट नहीं कर पाया, जो कि बहुत अजीब सी बदबू आती है उसमें, सी फूड बहुत ज़्यादा होता है उसमें, सी फूड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। एनीवेज, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द सी फूड हियर। सो दिस फिल्म इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल फिल्म दैट आई हैव सीन, एंड इस फिल्म ने एक्चुअली कोरिया में भी काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट किया था। इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स एट दैट टाइम, और इसने वहाँ का कल्चर भी थोड़ा सा चेंज किया था। मतलब एक कोरियन वेव जो वहाँ पे चल रही थी उसको बहुत एनहेंस किया था, और ये पिक्चर जो थी उसने के पॉप और जो आप सुनते हैं कि जो कोरियन फिल्में लोगों ने देखना शुरू किया, तो बेसिकली ये मेरा ही एंट्री गेट नहीं था कोरियन सिनेमा के लिए, बहुत अलग बहुत सारे लोगों का एंट्री गेट था। लाइक बहुत लोगों का एंट्री गेट होता है ओल्ड बॉय, कि वो ओल्ड बॉय देखते हैं फिर वो कोरियन सिनेमा देखना शुरू करते हैं। मेरा एंट्री गेट था ये पिक्चर माई सेसी गर्ल। अभी बहुत सारे लोग पैरासाइट देखने शुरू किया, पैरासाइट के बाद उन्होंने कोरियन सिनेमा को एक्सप्लोर करना शुरू किया, पर मैं कॉलेज के टाइम से कोरियन सिनेमा देख रहा हूँ। मैंने ऐसी कोई भी कोरियन फिल्म नहीं थी जो उस टाइम पर ब्लॉकबस्टर रही हो, वो मैंने ना देखी, क्योंकि कोरिया की एक वेबसाइट थी जिसमें बेस्ट कोरियन फिल्म लाइक टॉप 10 या टॉप 20 कोरियन फिल्म जो होती थी हर साल की, उसकी एक लिस्टिंग थी जो सालों की लिस्टिंग थी, लाइक सन 2000 से उसकी लिस्टिंग थी, तो वो उसमें पड़ी हुई थी। तो मैं उसको ढूंढ ढूंढ के देखता था, और उस टाइम पे एक वेबसाइट थी एविस्टार्स करके, जिसमें से मैं सारे टॉरेंट डाउनलोड कर करके पिक्चर देखता था। अभी उस वेबसाइट ने मुझे बैन कर दिया है, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स कर दिए थे फोरम पे, जो कुछ गलत हरकत करते हैं। तो बड़ा ही डॉन टाइप की वेबसाइट है वो, अगर आप वहाँ पे कुछ भी गलत उनके खिलाफ, उनके एडमिन के खिलाफ लिख देते हो तो तुरंत आपको बैन कर देते हैं। मुझे पता नहीं था इतने स्ट्रिक्ट हैं, मैं 15 साल से 20 साल से उसको यूज़ कर रहा था, उसके बाद एकदम से मुझे बैन कर दिया। तो मैंने पिक्चर देखनी, मतलब एशियन पिक्चर देखना मेरा थोड़ा सा कम हो गया उसकी वजह से। बट एनीवेज, तो माई सेसी गर्ल एक स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जो कि बहुत ही सबड्यूड है और सबके सामने झुका हुआ रहता है, जो फट्टू टाइप का लौंडा है, जो कि नॉर्मली लौंडे होते हैं बहुत ही फट्टू टाइप का लौंडा, पर अपने दिमाग के अंदर वो अपने आप को बहुत ही तुर्रम खा समझता है। तो वो एक ऐसी लड़की से मिलता है जो बहुत ही डोमिनेटिंग टाइप की है, और ऐसा लव स्टोरी आपने कभी देखा नहीं होगा जहां पे एक लड़का जो है वो मर्द बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मतलब लड़की से मिलने के बाद भी वो फट्टू ही रहता है और लड़की उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, उसके उसके अंदर उसको मर्द बनाने की कोशिश करती है। मतलब वैसा नहीं है, इसमें कुछ नपुंसकता वाली चीज़ नहीं है, बट द थिंग इज ही जस्ट अ गाय, ही जस्ट अ स्टूडेंट जो नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। उसकी मम्मी भी उसको मारती है, उसके बाप भी उसे मारते हैं, उसके टीचर भी उसको मारते हैं, तो वो एक जिंदगी जी रहा है जहाँ पे वो नॉर्मल चीज़ें करता रहता है, अपना खाता पीता है, दारू पीता है, अपना मजे कर रहा है, और ना नॉर्मल चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं है। पर वहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है जो उसकी लाइफ चेंज करती है, ज़बरदस्ती उसकी लाइफ में इंटरफेयर करती है, उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है ज़बरदस्ती, और वहाँ से स्टोरी अनफोल्ड होना शुरू होती है। पिक्चर की सारी स्टोरी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पॉइलर नहीं देना चाहता, मैं यहाँ पे आपको पिक्चर की स्टोरी बता के आपका मज़ा ख़त्म नहीं करना चाहता कि पिक्चर के एंड में क्या होता है, क्योंकि पिक्चर के एंड में बहुत अच्छा सस्पेंस है, अगर वो आप मिस कर दोगे तो पिक्चर आपको अच्छी नहीं लगेगी। और वो सस्पेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इमोशनल है, क्योंकि आधी पिक्चर कॉमेडी और आगे की पिक्चर थोड़ी सी सीरियस हो जाती है, बट स्टिल पिक्चर अपना जॉनर नहीं छोड़ती है, वो जो सीरियसनेस है वो भी बहुत लाइट है और आपको बहुत अच्छी लगती है। मतलब इस फिल्म के बारे में क्या बोलूँ, मतलब मैंने पिक्चर पिछले 15 साल में
करीब करीब 100 बार देखी होगी, और इसका एक एक सीन मुझे इस पिक्चर में अच्छा लगता है। और जिस तरह से इसमें लव को दिखाया गया, लव का वो एंगल, लाइक हजारों तरीके के लव होते हैं। लोग कहते हैं ना कि पिक्चर बनानी है आपको, लव स्टोरी बनानी है तो लव स्टोरी आप कुछ भी बना सकते हो। तो लव स्टोरीज भी वही सिंपल सी होती है इंडिया में, कि अमीर लड़का है गरीब लड़की है, पर एक कल्चरल बैकग्राउंड दिखाते हैं, एक इकोनॉमिकल बैकग्राउंड दिखाते हैं, उसका कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं और उसके बेसिस पे लव स्टोरी क्रिएट होती है। बट ये एक ऐसी पिक्चर थी जिसमें साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट दिखाया है दो कैरेक्टर के बीच में, कि एक बहुत ही मेसोक्रिस्टिक लड़का है और एक बहुत ही सेडिस्टिक लड़की है, और दोनों मिलते हैं और दोनों की लाइफ कैसे चेंज होती है। और कोइंसिडेंटली इस पिक्चर को देखने के 2 साल बाद मुझे एक ऐसी लड़की मिल गई थी, मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थी और बिल्कुल ही ऐसी लव स्टोरी मेरी भी होने लगी थी। हालांकि मैंने फिर बाद में उसे ब्रेकअप कर लिया, बिकॉज शी वॉज वेरी डोमिनेटिंग। और देखने में अच्छा लगता है जब कोई लड़की आपको डोमिनेट करती है, पर एक टाइम पर कहीं ना कहीं आपका मेल ईगो सामने आ ही जाता है और आप इरिटेट होने लगते हैं उस चीज़ से। वो लड़की बिल्कुल ही ऐसे बिहेव करती थी जैसे माई जैसी गर्ल में लड़की बिहेव करती है, और मैंने उसको ये पिक्चर दिखाई थी कि ये पिक्चर देखो, इसमें जो लड़की जैसा बिहेव कर रही है तुम वैसे ही बिहेव करती हो। क्योंकि मैं भी कॉलेज टाइम में थोड़ा सा फट्टू टाइप का लौंडा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिल्म लाइन में आऊँगा, जो कि मेरे अंदर उतने गट्स नहीं थे। मैंने एक सिंपल लाइफ इमेजिन करी थी कि मैं कॉलेज करूँगा, फिर उसके बाद MBA करूँगा, या फिर IAS की तैयारी करूँगा, या फिर US चला जाऊँगा। ऐसे कुछ प्लान्स थे मेरे, जो सब लड़कों के उस टाइम पर होते हैं। फिल्म लाइन में आने का मेरा कोई प्लान नहीं था, बन गया, मैं आ गया, वो अलग चीज़ है। मैं बस चीज़ें करता गया और चीज़ें अपने आप होती गई। बट उस टाइम, और वो जो लड़की थी उसने मुझे मोटिवेट किया था कि तुम फिल्म लाइन में जाओ। वो भी अक्सर मेरे को बोलती है, तुम साले फट्टू हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम्हें अगर FTI का एग्जाम देना है FTI का एग्जाम दो। तो FTI का एग्जाम मैं देना नहीं चाहता था उस टाइम पर, मैंने दिया था। और FTI का एग्जाम देने का मेन पर्पज़ भी यही था, क्योंकि वो दिल्ली में रहती थी, तो मेरा ये था कि दिल्ली जाना हो जाएगा, इसी बहाने उससे मिलना हो जाएगा, तो एक बहाना मिल जाता है मेरे को दिल्ली जाने का। तो मैंने FTI का एग्ज़ाम भरा और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, पर इंटरव्यू के लिए पापा ने मेरे को जाने नहीं दिया, क्योंकि मेरी ऑलरेडी जॉब लग गई थी एक कंपनी में, तो मैं गया ही नहीं उसके बाद। और सो उसने मुझे फोर्स किया था FTI में एग्ज़ाम देने के लिए, और वहाँ से उसने मुझे मोटिवेट किया था। उसने मेरे को बहुत उंगली करी कि तुम ये सीखो वो सीखो, तुम्हारा जो पैशन है उसको फॉलो करो। और उस टाइम पे मैं उसी के कहने पे मैं काफ़ी मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखता था, और माई सेसी गर्ल हमारी वो पिक्चर थी जो हम लोग के बीच में कॉमन थी, जिसको हम लोग अक्सर डिस्कस करते थे। और ये पिक्चर ने मुझे, मतलब ऐसा मुझे लगता था कि इस फिल्म को मैं रीमेक कर दूँ, इंडिया में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। और एक चीज़ मैंने इसकी पिक्चर की नोट करी है, जो इसके रीमेक्स हैं, मतलब मैं इस पिक्चर का इतना क्रेजी फैन था कि इसके जो रीमेक्स हैं मैंने वो भी देखे हैं। लाइक इसका एक वर्जन अमेरिका में बना था माई सेसी गर्ल, पर अगेन उसमें जो मैस्कुलिनिटी है, जो डायरेक्टर है मेरे ख्याल से जो राइटर डायरेक्टर था, उसको ये पिक्चर समझ में नहीं आई। उसको ये समझ में नहीं आया कि अगर कोई लड़का लड़की से लड़की उसको डोमिनेट करती है, तो वो जब तक वायलेंट लेवल पे नहीं जाता है तब तक वो ओके है। मतलब हर चीज़ में ये फेमिनिस्ट और शोविनिस्ट घुसाना सही नहीं है। मतलब ये फिल्म उस टाइम की जब फेमिनिस्ट वाला इशू इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना था, और ये शोविनिस्ट वाला इशू, मेल पैट्रियार्की, ये सारे मुद्दे जो थे ये इतने ज़्यादा सोशल एस्टैब्लिशमेंट पे नहीं आए थे, इतने ज़्यादा ट्विटर पे नहीं चलते थे, ट्विटर था भी नहीं उस टाइम पे जब ये पिक्चर रिलीज हुई थी। तो ये पिक्चर इन सब चीज़ों से फ्री थी। पर 2008 में इस पिक्चर को बनाया गया, तो वहाँ पर मैंने एक सीन देखा था जहाँ पे एलिशा कजबर्ट लीड कैरेक्टर को एक हल्का थप्पा मार देती है माई सेसी गर्ल वाले वर्जन में, और वो पलट के उसको मार देता है और दोनों एक दूसरे को मारते हैं। पर वहाँ पे आपका कैरेक्टर खत्म हो जाता है, क्योंकि माई सेसी गर्ल जो 2008 में US में बनाई थी उसमें जो लड़का था वो बहुत ही मैस्कुलिन था, और अगर वो इतना मैस्कुलिन है तो ये दोनों के बीच का जो एक पॉइंट था, जो USP थी इस पिक्चर की, वही खत्म हो जाती है। नहीं, वो लड़का वो वैसा ही है, वो लड़की जो है वो उसकी स्ट्रेंथ है, और इसीलिए वो पिक्चर वर्क करती है, क्योंकि वो लड़का कभी भी उसको ओवर पावर करने की कोशिश नहीं करता। वो उससे प्यार करता है पर वो भी बोल नहीं पाता। अगर वो लड़की कोई डिसीजन लेती है वो उसको एक्सेप्ट करता है। वो फट्टू नहीं है पर वो लड़की की बहुत ज़्यादा केयर करता है। इनिशियली वो डिसीजन इसलिए नहीं ले पाता है क्योंकि वो उस तरह का लड़का नहीं है जिस तरह का लड़का वो इमेजिन करती है कि उसके साथ रहे। तो बेसिकली उस लड़की की भी एक प्रीवियस हिस्ट्री है उस पिक्चर में, जिसमें वो किसी लड़के से प्यार करती थी और वो लड़का उसको नहीं मिल पाता है, तो वो इस लड़के को वैसा बनाने की कोशिश करती है, जैसा कि मेरे केस में भी हुआ था। मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उसका भी एक बॉयफ्रेंड था, तो वो वैसा बनाने की मुझे कोशिश करती थी, पर मैं वैसा उस तरह का था नहीं। मैं बहुत ही देसी टाइप का लौंडा था, एंड शी वुड एक्सपेक्ट कि मैं उस तरह की चीज़ें करूँ जैसा कि दिल्ली के लौंडे करते हैं, लाइक रिच क्लोथ्स पहन के, इंग्लिश में बातें करके, कूल वाले चुतियापे करूँ, गिटार बजाऊँ, ये सब करूँ। पर मैं उस तरह का लड़का था नहीं। मैं तो लखनऊ में लास्ट ईयर में अपने कॉलेज भी गमछा डाल के जाता था, तो मैं ऐसे चुतियापे करता था बेसिकली। बट एनीवेज, सो ये फिल्म जो थी ये मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें कहीं भी कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं की। ये वन ऑफ दोज फिल्म्स हैं जहाँ पर मैं कहूँगा कि कैरेक्टर्स में कोई आर्क नहीं है। जैसा कैरेक्टर शुरुआत में है वैसा ही कैरेक्टर एंड में है। पिक्चर इमोशनल है, कॉमेडी है, सब कुछ है इस पिक्चर के अंदर। और पिक्चर में कोई भी ज़बरदस्ती ये पॉलिटिक्स डालने की कोशिश नहीं की है, ज़बरदस्ती कोई इशूज़ डालने की कोशिश नहीं किए गए, जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। मुझे लगता है कि आज ये पिक्चर अगर बनाई जाएगी तो बहुत सारे
मेल्स भी इस पर अटैक करेंगे कि इस तरह का लड़का नहीं होना चाहिए, इस तरह का लड़का चूतिया होता है, और लड़कियों को पिक्चर बहुत पसंद आएगी जो कि लड़की इसमें डोमिनेट कर रही है। बट ये पिक्चर उन सब चीज़ों से परे है, और इसका एक वर्जन जो है वो अभी निकला है कोरिया में, इसका पूरा एक सीरीज बनाया है 32 एपिसोड का, जो कि मुझे देखना है, मैंने देखा नहीं है, तो मैं देखूंगा ज़रूर उस पर्टिकुलर सीरीज़ को। और इसके अलावा इसकी पिक्चर एक इंडिया में भी बनी है, इसका एक वर्जन बनाया है अगली, जिसमें ये था राहुल बोस था और मल्लिका शेरावत थी। इमेजिन मल्लिका शेरावत जो है वो अगली मीट्स पगली ऐसा कुछ करके नाम था, तो मल्लिका शेरावत इसमें क्यूट लड़की का रोल कर रही है जो कि पॉसिबल ही नहीं था। वो पिक्चर बहुत ही मेजर फ्लॉप हुई थी और शायद किसी ने देखी भी नहीं होगी और देखनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि करेक्टर ही आपने गलत लिए, कास्टिंग ही आपने गलत ली है, राहुल बोस ऑलरेडी बुढ़ा हो चुका था, तो उस तरह की पिक्चर नहीं थी, यंग स्टूडेंट्स की पिक्चर थी, और उस पिक्चर को इन्होंने खराब कर दिया। तो मुझे लगता है कि माई सैसी गर्ल को बहुत सारे जिन्होंने रीमेक किया है वो इस पिक्चर को शायद समझ नहीं पाए कि ये पिक्चर में क्यों वो लड़का उससे दबता है और क्यों वो लड़की उसको डोमिनेट करती है और दोनों के बीच में क्या साइकोलॉजिकल कनेक्शन है। तो करेक्टर्स कभी कभी जैसे हमें लगते हैं वैसे नहीं होते हैं, उनके बीच में जो साइकोलॉजिकल कनेक्शन होते हैं वो भी हमें जानना जरूरी होता है। सिनेमेटोग्राफी वाइज पिक्चर अच्छी है, एडिटिंग भी अच्छी है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ऑर्डनरी है, बाकी सारी चीज़ें ऑर्डनरी है। बेसिकली ये स्टोरी बहुत बढ़िया है, ये बेसिकली स्टोरी एक कोरियन ब्लॉग था जो कि एनोनिमसली किसी ने पब्लिश किया था, तो उसकी पर्सनल स्टोरीज थी जो कोरिया में काफ़ी फेमस हो गई थी, तो वो न्यूज़पेपर में आने लगी थी, न्यूज़ में डिस्कस होने लगी थी, पर वो किसकी स्टोरीज थी वो कभी पता नहीं चला क्योंकि उसने कभी अपना नाम नहीं बताया उस आदमी ने, पर वो स्टोरीज इतनी फेमस हो गई थी कि एक डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो उसके ऊपर एक फिल्म बनाएगा, और उसने ये फिल्म बनाई and that film turned out to be huge 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 blockbuster and a turning point in the lives of all the actors and the director and the writer of the film and I think if you want to start watching Korean cinema then you should start with this film. This film will actually motivate you to watch more Korean films. क्योंकि Korean Japanese फिल्मों में मैंने एक चीज़ देखी है कि human relation को और psychology को जिस तरह से वो दिखाते हैं उस तरह से मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी और cinema नहीं दिखाता है। जिस तरह से Iranian cinema pathos को दिखाता है उस तरह से Korean cinema romance को जिस दिखाता है वो कोई भी नहीं दिखाता, मतलब Indian romance भी उसके सामने ठीक है। इंडिया में इमोशंस बहुत अच्छे दिखाते हैं, इंडिया में एक संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वो जो चीज़ें होती हैं जो फैमिली वननेस होती है फैमिली की वो बहुत अच्छी होती है, पर इसके बियॉन्ड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो हम उसमें देखें और हम उसको देख के सॉरी लाइट गिर गई थी, अबे वेट 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 सो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम देखें और हमें पता नहीं क्या बोल रहा था मैं, एनीवे मैंने सारी चीज़ तो बताई दी इसमें। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई ब्लॉग एंड मैं स्लाइड को ठीक करता हूँ, और कमेंट करिए अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा, और नहीं अच्छा लगा तो भी बताइए, मैं और पिक्चर रिव्यू करूँगा, और मैं ऐसी पिक्चरों के रिव्यू करूँगा जिनके रिव्यूज कोई नहीं कर रहा है, जो कि लेटेस्ट पिक्चरों के रिव्यू हर कोई कर रहा है, पर कुछ ऐसी क्लासिक्स हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता और कुछ इमोशनल कनेक्शन है मेरे उन पिक्चरों के साथ जिसको मैं बताना चाहता हूँ, तो मैं जल्दी आपको बताऊँगा और ब्लॉग्स के साथ। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, अगर आपको रिव्यू अच्छा लगता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, हम लोग ज़रूर, और भी कोई फिल्म है जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं रिव्यू करूँ तो मुझे बताइए, मैं रिव्यू करता हूँ। चलिए बाय बाय।